एक भैया टॉपिक है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर। सर्वप्रथम ये जानिए शुक्राणु जनन जिसका इंग्लिश होता है अस्पर्म मेटोजेनेसिस। शुक्राणु का इंग्लिश क्या होता है? अस्पर्म और दूसरा हो गया आपको अंडाणु जनन जिसका इंग्लिश क्या होता है? ओजेनेसिस है ना, जिसमें जनन शब्द लगा हो है ना, मतलब निर्माण की प्रक्रिया। जनन लगा हो तो क्या शुक्राणु जनन हो गया, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, और अंडाणु जनन हो गया अंडाणु जनन की प्रक्रिया। समझ में आ गई बात? परीक्षा में पूछेगा शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए है ना, तो सर्वप्रथम शुक्राणु जनन में एक नंबर में क्या लिखिएगा है ना, शुक्राणु जनन है क्या इसके बारे में दे देना है। इस क्रिया में शुक्राणु का अर्थात अस्पर्म का निर्माण होता है। इस क्रिया में शुक्राणु अर्थात अंडाणु जनन में लिखिएगा इस क्रिया में ओवम, ओवम अर्थात क्या अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो शुक्राणु जनन में शुक्राणु का अर्थात स्पर्म का निर्माण, अंडाणु जनन में अंडाणु का अर्थात ओवम का निर्माण होता है। शुक्राणु जनन, शुक्राणु किसमें बनेंगे, मेल में या फीमेल में? शुक्राणु जनन जो है मेल में बनता है, तो दूसरा अंतर है मेल के किस ऑर्गन में? टेस्टिस में। तो लिखिएगा यह टेस्टिस में होता है। शुक्राणु जनन कहाँ होता है? टेस्टिस में। अंडाणु जनन कहाँ होती है? ओवरी में। अंडाणु जनन कहाँ होती है? ओवरी में होती है। तीसरा होगी आपका शुक्राणु जनन जो है ये किस प्रकार से होते हैं, तो ये आपको लगातार होते हैं। क्या होते हैं? ये लगातार होने वाली प्रक्रियाएं हैं, लगातार होने वाली प्रक्रियाएं। शुक्राणु जनन का शुक्राणु जनन कब होता है? हमेशा, लगातार। इसीलिए कहेंगे ये लगातार होने वाली प्रक्रियाएं हैं, लेकिन अंडाणु जनन था ओवम का जो निर्माण है यह निश्चित अवधि के लिए होता है। किस अवधि के लिए? लिखिएगा यह निश्चित अवधि के लिए होने वाली प्रक्रिया है, होने वाली प्रक्रिया है। शुक्राणु जनन जो है लगातार होने वाली प्रक्रियाएं हैं, और अंडाणु जनन जो है निश्चित अवधि के लिए होने वाली प्रक्रियाएं हैं। उसके बाद जो है चौथा अंतर जो है इसकी वृद्धि अवस्था को लेकर, यानी जो यह डेवलप होता है, मेच्योर होता है, स्पर्म जो बनना शुरू होता है उसकी अवधि अवस्था कितनी है, कितने समय में वह मेच्योर होता है। तो स्पर्म के लिए वह अल्प समय है, एक छोटी सा समय होता है। ओवम की तुलना में स्पर्म का निर्माण की प्रक्रिया क्या होता है? बहुत ही कम समय का होता है। इसीलिए कहिएगा इसकी वृद्धि अवस्था बहुत छोटी होती है। वृद्धि अवस्था क्या होती है? वृद्धि अवस्था बहुत छोटी होती है ना। लेकिन ओवम निर्माण की प्रक्रिया जो है इसकी वृद्धि अवस्था क्या होती है? लंबी होती है। इसकी वृद्धि अवस्था लंबी होती है। पांचवा अंतर में दीजिएगा यह बनता किससे है ना। तो शुक्राणु का निर्माण शुक्र कोशिका से होता है। किससे? जब प्राथमिक शुक्र कोशिका विभाजित होकर के दो समान द्वितीयक शुक्र कोशिका बनाती है। स्पर्म निर्माण में जो है इस प्रक्रिया में आपको प्राथमिक शुक्र कोशिका विभाजित होकर के कितने शुक्र कोशिका बनाते हैं? दो समान द्वितीयक शुक्र कोशिका का निर्माण करते हैं। लेकिन अंडाणु जनन में जो है इसमें प्राथमिक अंड कोशिकाएं विभाजित होती है,
लेकिन दोनों समान नहीं होता है, विभाजित होगा दो छो बनेगा लेकिन कैसा होगा, असमान। असमान आकार की द्वितीयक अंड कोशिका का निर्माण करती है। साथ ही इसमें जो है ध्रुवीय बॉडी भी होते हैं, समझ में आ गई बात। इसकी जो है इसमें शुक्राणु जनन में प्राथमिक शुक्र कोशिका विभाजित होकर के क्या करते हैं, विभाजित होकर दो समान द्वितीयक शुक्र कोशिका का निर्माण करती है, द्वितीयक शुक्र कोशिका का निर्माण करती है, समझ में आ गई बात। अंडाणु जन्म में क्या लिखिएगा, इसमें कहिएगा इसमें प्राथमिक अंड कोशिका विभाजित होकर की दो असमान द्वितीयक अंड कोशिका का निर्माण करती है, एवं एक जो है छोटी ध्रुवीय बॉडी भी बनती है। अंड कोशिका बनेगा कैसा, दो असमान अंड कोशिका बनेगा, दो असमान अंड कोशिका बनेगा, साथ ही क्या बनेगा, ध्रुवीय बॉडी भी बनते हैं। क्या बनते हैं, एक जो है छोटी सी ध्रुवीय बॉडी, एक छोटी ध्रुवीय बॉडी का निर्माण होता है। कोई दिक्कत है? और पांचवा में है शुक्राणु कोशिका जो बनते हैं, इसमें एक शुक्राणु कोशिका से चार शुक्राणु बनते हैं, एक शुक्राणु कोशिका विभाजित होते हैं तो चार स्पर्म्स का, चार शुक्राणु का निर्माण होता है। हाँ, एक पांचवा छठा अंतर बोलिएगा, सिक्स नंबर में, इसमें एक शुक्राणु कोशिका विभाजित होते हैं, है ना, तो कोशिका विभाजन से क्या होगा, एक शुक्राणु कोशिका है उससे आपको चार शुक्राणु बनेंगे, एक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु, चार शुक्राणु। लेकिन अंडाणु जनन में जो है एक अंड कोशिका से एक ही अंडाणु बनते हैं, एक अंड कोशिका से एक ही अंडाणु बनते हैं, समझ में आ गई बात। एक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु, और एक अंडाणु कोशिका से कितने अंडाणु, एक अंडाणु का ही निर्माण होता है, समझ में आ गया। यदि आपको अंतर कहेगा तो आराम से बोल दीजिएगा। एक नंबर में क्या बोलिएगा, स्पर्म बनने की क्रिया को, है ना, शुक्राणु जनन कहते हैं, ओवम बनने की क्रिया को या ओवम निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन में लिखिएगा यह क्रिया टेस्टिस में होती है, अंडाणु जनन यह ओवरी में होती है। शुक्राणु जनन में कहेंगे यह लगातार होने वाली प्रक्रियाएं हैं, अंडाणु जनन में कहिएगा यह निश्चित अवधि के लिए होने वाली प्रक्रियाएं हैं। शुक्राणु जनन में लिखिएगा इसकी वृद्धि अवस्था बहुत छोटी होती है, अंडाणु जन्म लिखेंगे इसकी वृद्धि अवस्था लंबी होती है। शुक्राणु जन्म लिखिए इसमें प्राथमिक शुक्र कोशिका विभाजित होकर दो समान द्वितीयक शुक्र कोशिका का निर्माण करती है। अंडाणु जन्म लिखिएगा इसमें प्राथमिक अंड कोशिका विभाजित होकर दो असमान अंड कोशिका का निर्माण करती है तथा एक छोटी ध्रुवीय बॉडी का निर्माण करती है। शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु जनन में छठा नंबर में लिखिएगा इसमें एक शुक्राणु कोशिका से चार स्पर्म्स बनते हैं। अंडाणु जनन में कहेंगे इसमें एक अंड कोशिका से एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। कोई दिक्कत, ये एकदम याद रखिएगा, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर, है ना, या तो अंतर भी पूछ सकता है या कई सारे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, है ना, जैसे कि शुक्राणु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव में दे देता है तो शुक्राणु जनन कहेंगे, अंडाणु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंडाणु जनन ऑब्जेक्टिव में भी काम आ सकता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, टेस्टिस में, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, ओवरी में। तो ये सब कुछ क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, एक प्राथमिक शुक्र कोशिका विभाजित होकर कितने, है ना, द्वितीयक शुक्र कोशिका निर्माण करेंगे तो दो समान द्वितीयक शुक्र कोशिका का निर्माण करते हैं, और अंडाणु कोशिका जो है प्राथमिक अंड कोशिका विभाजित होकर के दो असमान, है ना, द्वितीयक अंड कोशिका का निर्माण करती है।
एक शुक्राणु कोशिका से कितने स्पर्म बनते हैं? चार ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं। और एक अंडाणु कोशिका से कितने अंडाणु बनते हैं? तो क्या बोलिएगा? एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। यहां तक कोई दिक्कत?